अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो सहरी की रूटीन है वो शेयर करूंगी। यहाँ तकरीबन 3 बजे का टाइम है, सब सोए हुए हैं, लेकिन पता है जैसे घर की ख़वातीन को सबसे पहले उठना पड़ता है, और यहाँ पे हम उठ गए हैं। 3 बजे का टाइम है और आज की जो सहरी की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ पे माशाल्लाह, और दही वगैरह जो हमने रात को बनाई थी वो देखिए कितनी अच्छी जम गई है। दही के लिए हम अलग से ही दूध को बॉईल कर लेते हैं और फिर उसकी जो है वो दही बना लेते हैं। देखिए दही इतना अच्छा जम गया है, और आधी जो दही है उसकी हम लस्सी बना लेंगे, जबकि बाकी जो दही है उसको इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे दही की लस्सी बन रही है। लस्सी में हम ज़रा चीनी कम ही डालते हैं। और सालन भी आज दो बने हुए थे, एक चिकन वाला और एक मटन वाला। इनको भी हम जो है प्लास्टिक के डब्बों में डाल के और फ्रीज कर लेते हैं, और फिर सहरी के वक्त इनको दोबारा निकाल के कढ़ाई में और फिर इनको गर्म कर लेते हैं। और इस दोनों सालनों को मैंने जो थे इनको गर्म कर लिया था यहाँ पर, और इनको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इनको फिर डोंगों में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ये बर्तन जो है वो मेरी बेटी ने रखने शुरू कर दिए हैं साथ साथ। अक्सर बच्चे ये होता है कि हेल्प करवा देते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है उस वक्त, क्योंकि काफ़ी चक्कर लग जाते हैं किचन में आने जाने के। और ये कुछ प्लेटें लेकर आए थे हम रमज़ान के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन था, बड़ी प्यारी प्लेटें हैं। और यहाँ पे सालन भी गर्म हो गए हैं, अब इनको डोंगों में डालेंगे। एक जो सालन है वो चिकन का बना हुआ था, इसमें मटर डाले हुए हैं डाल दो, और एक जो था वो मटन का यानी कि बकरे के गोश्त का ही बना हुआ था। तो इनको हम अब बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया है चाय के लिए। चाय मीठी बनती है और फीकी बनती है। जैसे बच्चे वगैरह हैं वो मीठी चाय पीते हैं, और हम जो जो डाइटिंग करते हैं तो वो फीकी चाय पीते हैं। और ये रोटियां जो आप देख रहे हैं ये हम मोटी रोटियां बनाते हैं, तो फिर इसे चूरी बना लेते हैं। तो बच्चे जो हैं जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए ये चूरी बना लेते हैं, इसमें देसी घी वगैरह ऐड करके, और बड़ी ही मज़ेदार बनती है चूरी। बिल्कुल नरम होती है, गर्म रोटी के अंदर जब आप देसी घी डाल के और उसके बाद आप चीनी को करके चूरी बनाएं तो वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनती है। अब हम इसको गर्म करेंगे और फिर हमारी जो चूरी है ये तैयार हो जाएगी। पंजाब के काफ़ी इलाकों में चूरी बनाई जाती है रमज़ान में सहरी के वक्त, और आम तौर पर भी हमारे घरों में बनती है। जब बच्चे खाना वगैरह ना खाएं तो फिर उनको ये चूरी है ये ज़रूर बना देते हैं। चूरी को भी मैंने ये निकाल लिया था डोंगे में, और थोड़ी सी चूरी जो है वो मैं बच्चों को लंच के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, ये चूरी तैयार हो गई है, और ये खाना भी ट्रे में अंकल के लिए सेट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर ये खाना खाते हैं और रोटी खाते हैं चोकर की, तो वो अपने बेडरूम में ही खाना खाते हैं। दही वगैरह और लस्सी भी ले लेते हैं साथ में, और कभी उनको ऑमलेट वगैरह बना देते हैं, और इस तरह जो इनकी डिश होती है उनको हम उनके बेडरूम में ही पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब ये मैं खाना उनके लिए लेकर जा रही हूँ, और इधर जो है ये ऑमलेट जो है वो हमारी बन गई है। ऑमलेट भी हम खाते होते हैं, और इसमें सारी वेजिटेबल वगैरह डाल लेते हैं। और यहाँ पे चाय भी बन गई है, चाय का रंग कितना अच्छा है माशाल्लाह। ये मीठी चाय है और एक फीकी चाय बनाते हैं, और इस तरह ये दोनों चाय बन गई हैं। और ऑमलेट वगैरह भी मैंने रख दिया था, और इसके बाद हमने सहरी कर ली थी सबने, और फिर इसके बाद अज़ान होगी। और छोटी सी वीडियो आज मैंने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये जो कुछ जो है सीन जो थे वो रिकॉर्ड किए, क्योंकि सहरी के वक्त काफ़ी बिजी रूटीन होती है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देम अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैं आपको पूजा पता क्या करना।